नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ की अतरौलिया नगर पंचायत अतरौलिया में मंगलवार को नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह और शासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर पॉलीथीन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके क्रम में सर्वप्रथम मच्छरट्टा, बब्बर चौक, सब्जी मंडी समेत पूरे बाजार में पॉलीथीन चेकिंग अभियान चलाकर दुकानों पर पार्क छापे मारी गई और पॉलीथीन जब्त की गई। लेकिन चेकिंग के अभियान के दौरान पूरे नगर पंचायत में अफरा तफरी मच रही। वहीं आज मंगलवार को नगर पंचायत की सभी दुकानें बंद रही, फिर भी कुछ दुकानें खुली पाई गई। जिन दुकानों पर पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा था वहाँ से 1 किलो 375 ग्राम पॉलीथीन जब्त की गई। पकड़े गए लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए निर्देश दिया गया कि दुकान में पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, अन्यथा पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि चेकिंग अभियान चला था फंडिंग के इसके बारे में। हाँ, ये हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोगों को जो निर्देश मिला था कि नगर पालिका यू साहब जिलाधिकारी महोदय और थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा जो है ये दुकानदारों द्वारा जो पन्नी दी जाती है, जो प्रतिबंधित पन्नियाँ हैं उसमें ये अपने सामान जो बेचते हैं, इन लोगों के अगेंस्ट हम लोगों को एक अभियान करने का वो आदेश मिला है, जिसके तहत हम लोग आज अतरौलिया नगर पालिका में जो है नगर पंचायत में हम लोगों ने अपना अभियान जारी रखा। क्योंकि आज मंगलवार था, बंदी थी, तो मैक्सिमम दुकानें जो है बंद मिली यहाँ पे। इसलिए जो है हमने पहली बार आज फर्स्ट डे में काफ़ी पन्नियाँ हमने प्राप्त किया, लेकिन आज हम वार्निंग देते चले जा रहे हैं। कल से जो है हम अपने अभियान को मतलब सर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, केवल आज वार्निंग दी जा रही है। आज कार्रवाई तो जो दंड आपका रुपये रहा नहीं रहा, लेकिन हमने जो पन्नियाँ मिली उनको हमने जब्त कर लिया, उसको नष्ट कर दिया।